बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू लर्निया व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपको, ये गुजरांवाला में पीपल्स कॉलोनी मार्केट है, तो यहाँ हम लोग आए हैं और ये मैं आपको मार्केट दिखा रही हूँ। तो ये मार्केट, यहाँ पे हमने सुना था कि बहुत ही ज़बरदस्त खाने वाने बनते हैं, ये देखें, और बहुत अच्छी फूड स्ट्रीट ही बनी हुई है एक तरफ ना, तो बड़े ज़बरदस्त कहते हैं कि खाना वगैरह बहुत अच्छा है। हम वैसे आज यहाँ पे खाना तो नहीं खाने आए, हम लोग यहाँ पे ना आए आइसक्रीम खाने, और आइसक्रीम जो है वो भी आप मेरे साथ रहिएगा मार्केट दिखाने के बाद, फिर मैं आपको वहाँ शॉप पे लेके जाऊँगी आइसक्रीम शॉप पे, तो वो भी मैं आपको फिर दिखाऊँगी। बिल्कुल डिफरेंट हट के स्टाइल में ज़रा आइसक्रीम है। तो अभी आप ये फूड स्ट्रीट देखें सारी, ये देखें, बहुत बारौनक एरिया है ये गुजरांवाला का, और बहुत ही क्राउडेड होती है ये जो है ना मार्केट, बहुत ज़बरदस्त। पिज़्ज़ा, बारबेक्यू, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे है खाने की, और आइसक्रीम भी है, आइस टैक की भी है, लेकिन हम यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म की जो आइसक्रीम है ना वो खाने के लिए आए हैं। तो अभी मैं आपको बस उसी शॉप की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो वो फिर मैं आपको ना दिखाती हूँ, वहाँ चलते हैं। ये व्यूअर्स, ये शॉप जो है आइस पार्लर, ये आ चुकी है। तो मौसम बड़ा अच्छा था, तो मेरे भतीजे मेरे गए थे साथ ही बाहर बैठ के, यहाँ पे ना ये आइसक्रीम जो है मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये रोलर स्टाइल में ना यहाँ पे इसके ऊपर आइसक्रीम बनती है। ये कैमे शॉप का नाम है, तो यहाँ पे रोलर आइसक्रीम बनती है फ्रेश, वो ना दूध भी डालते हैं, और जो भी फ्लेवर आपने लेना हो तो वो भी उसके ऊपर लिक्विड फॉर्म में या क्रश करके ना उस फॉर्म में वो उसके रोलर जो है ना वो बिल्कुल आप समझ लें कि एक तरह से ना फ्रीज हुआ होता है, तो उसके ऊपर ये ना दूध डाला जाता है और फ्लेवर डाला जाता है। ये देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा है, तो इस पे आइसक्रीम जो है ना बनती है। तो बहुत मज़े की थी, डिफरेंट थी, तब आइस टैक वगैरह से यमी 26 से 36 से तो खाते ही हैं। तो गुजरांवाला में जब भी आप विज़िट करें तो यहाँ पीपल्स कॉलोनी की मार्केट है, यहाँ पर ज़रूर आइएगा। ये देखिए जी, फ्रेश ही आइसक्रीम बन रही है, ये हमने ट्राई की, हमें तो बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। ये लेडीज़ यहाँ पे बना रही हैं, और बहुत नीट जो है ना इनका मेथड है बनाने का, और डिफरेंट स्टाइल है। ये शॉप के अंदर लेडीज़ के लिए रेंज भी है, तो आप इधर फैमिली के साथ ज़रूर जाएं और ज़रूर ये आइसक्रीम जो है ना ये ज़रूर ट्राई करें, हमें तो ये बहुत पसंद आई है। नेक्स्ट टाइम अब जब मैं जाऊंगी ना तो बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे, अभी तो हमने खुद ट्राई की थी फ़र्स्ट टाइम कि कैसी आइसक्रीम है, तो हमें तो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मज़े की थी। ये जो व्यूअर्स, आइसक्रीम आ चुकी है, और मज़े ले लेके सब ने मैंगो फ्लेवर मंगवाया है, और ऊपर चॉकलेट की बंटीज की गार्निश है, तो ये मज़े ले कर सब खा रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आया है। आप भी जाइएगा, ट्राई कीजिएगा इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगेबान।